सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोग राजगीर वाले भैया यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, जितने स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में हमने बात किया है कि कैसे आप, अगर कम नंबर आता है तो ज़्यादा नंबर करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए आप क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, या फिर अगर आपका एब्सेंट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद एब्सेंट लिखा आ रहा है, प्रमोटेड लिखा आ रहा है या फेल लिखा आ रहा है, तो क्या करना पड़ता है, सारे प्रोसेस को समझेंगे। और आप वीडियो में, अगर आप नए हैं तो हमेशा की तरह वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज हमारा तबीयत वैसे भी थोड़ा डाउन लग रहा है, इसलिए आवाज़ कम जा रही होगी। ऐसे में बहुत एनर्जी के साथ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा समझो। अभी देखो, हम बात करते सबसे पहले कि कैसे, अगर आपका नंबर ख़राब आया है, जैसे कि होता है ना, बहुत सारे लड़के, जो लड़कियां होती हैं उनका उम्मीद रहता है कि मैंने तो 100 नंबर का लिखा था, अब मार्क्स आया है 10 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 100 में 16 नंबर कैसे दे सकता है यूनिवर्सिटी, कुछ ज़रूर गड़बड़ी हुआ है। तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ बोलती है कि हमको रीचेकिंग करवाना है कॉपी, हमको फिर से देखवाना है कॉपी, ज़रूर मेरे कॉपी को सही से चेक नहीं किया गया है। तो क्या आप अपना कॉपी रीचेक करवा सकती हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में? तो मेरा आंसर होगा ना। ये जो सिस्टम था रीचेकिंग का, वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में होता नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट रीचेकिंग और स्क्रूटनी को एक समझ लेते हैं, दोनों एक नहीं होता है, दोनों अलग बात है, ठीक है। रीचेकिंग में कॉपी फिर से चेक करी जाती है पेज बाई पेज, ठीक है, तो वो होता ही नहीं है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का इतिहास देख लो, नहीं होता है। बात आती है स्क्रूटनी की, तो स्क्रूटनी किया जा सकता है। स्क्रूटनी में रीटोटलिंग होता है, यानी आपका जो कॉपी पे नंबर चढ़ा है वो इस बार काउंट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो स्क्रूटनी में कैलकुलेशन होता है, बस चेकिंग नहीं होता है। तो क्या स्क्रूटनी होगा इस साल? तो उसका भी कोई चांस नहीं होने का, क्योंकि आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तो मैं बता देता हूँ, ऐसा न्यूज़ आया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सेशन को पटरी पर लाने के लिए, ये जो स्क्रूटनी है और ये जो फालतू कामें हैं जिससे टाइम जाता है, उसको बंद कर रहा है। क्योंकि अगर सेशन पटरी पे लाना है तो स्क्रूटनी वाला प्रोसेस ये सारी चीज़ें बंद करेगा यूनिवर्सिटी, तभी उनको टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो सेशन पटरी पे आएगा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो मेन रीज़न था सेशन को पटरी पे लाने के लिए, स्क्रूटनी को भी बंद कर दिया गया था। तो ये दोनों तो सिस्टम है नहीं, तो कैसे नंबर बढ़ेगा? नंबर बढ़ाया जा सकता है, एक तरीका है, लेकिन बहुत लेंदी तरीका है जिसमें समय भी जाएगा, बार बार आपको कॉलेज का चक्कर, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो बहुत कम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और बहुत कम लोग इतना मेहनत करते हैं नंबर बढ़वाने के लिए। लेकिन जिनका सच में गलत हुआ है, मतलब लग रहा है कि नहीं, खराब नंबर दिया है, खराब से कॉपी चेक किया है, भरोसा है अपने आप पे, क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, कम नंबर आया है तो आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। नंबर बढ़वाने के लिए यूनिवर्सिटी डायरेक्ट नहीं जाना है, ठीक है। सबसे पहले कॉलेज, कॉलेज में अगर बात कोई नहीं सुने, आपकी बात को नज़रअंदाज कर दे और बोले नहीं होगा, तब यूनिवर्सिटी का रास्ता देखो। लेकिन अगर कॉलेज आपका बात मान रहा है, एप्लीकेशन ले रहा है, तो कॉलेज जाना है। कॉलेज में क्या क्या ले जाना है? अपना एडमिट कार्ड, जिस एडमिट कार्ड से आपने एग्ज़ाम दिया था वो एडमिट कार्ड ले जाना है। और हाँ, एडमिट कार्ड पे आपका कॉपी नंबर मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे काम आसान हो जाता है। कॉपी कितना सारा एग्ज़ाम देता है, लाखों में लोग एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपने कॉपी नंबर नहीं लिखा होगा तो उतना कॉपी में आपका कॉपी कहाँ से खोज पाएगा कोई। तो कॉपी नंबर एडमिट कार्ड पे लिखना जरूरी था। अगर आपने नहीं लिखा है और नंबर बढ़वाना चाहते हैं, तो ऐसे ही आपके कम चांसेस से नंबर बढ़ने का, लेकिन ट्राई करना आप लोग भी, अगर आपने नहीं लिखा है ट्राई कर सकते हो कॉलेज जाके। लेकिन जिन्होंने एडमिट कार्ड पे अपना कॉपी नंबर लिखा था, उनका ईजी होगा, जाएंगे अपना एडमिट कार्ड जमा करेंगे, अप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे, ठीक है। अप्लीकेशन मतलब एक अपने हाथ से लिखा हुआ अप्लीकेशन, HOD के पास आप जाके जमा करेंगे कॉलेज में, ओके। और बस इतना ही करना है आपको, साथ में हो सके तो रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड तो मैंने बता ही दिया, लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें कर दोगे, आप अपना जाके कर सकते हो, आवेदन दे सकते हो। तो नंबर बढ़वाने के यही एक तरीका है, एप्लीकेशन जाके देना पड़ेगा कॉलेज, ठीक है। कॉलेज वाले अगर नहीं सुन रहे हैं, एप्लीकेशन आपका नहीं ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाओ, कंप्लेन करो कॉलेज वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने साफ साफ आदेश दिया था कॉलेज वालों को कि अगर कोई बच्चा का ऐसा दिक्कत है तो कॉलेज में आके कंप्लेन करें, कॉलेज वाला उनका कंप्लेन यूनिवर्सिटी को पहुंचाएगा। अगर कॉलेज वाला ही नहीं सुन रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिनका एब्सेंट लिखा आ रहा है मार्कशीट पे, जैसे कि प्रैक्टिकल में एब्सेंट किन्हीं का आ रहा होगा और किन्हीं का एब्सेंट आ रहा होगा मेन एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में। तो अगर आपका प्रैक्टिकल में एब्सेंट आ रहा है तो आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉलेज लेती है,
आप देखो प्रोफेसर लोग जो होते हैं वो भी इंसान ही हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है कहाँ, अपने कॉलेज में, और कॉलेज में जा करके कंप्लेन करना है, बताना है कि सर मैं तो आया था, प्रैक्टिकल भी दिया है, आपने नंबर भी चढ़ाया है, अटेंडेंस भी मेरा बना था, फिर भी मेरा एब्सेंट क्यों दिया है। तो सर लोग भी चेक करेंगे कहीं हमसे गलती तो नहीं, अगर उन लोग से गलती हुई होगी तो वो आपका ठीक कर देंगे, आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में आपका मार्क्स जो है संशोधन कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ जाएगा आपके मार्क्स पे। तो आपको अगर आपका थ्योरी एग्जाम में ऐसा आ रहा है एब्सेंट, जैसे कि जहाँ पर भी आपका सेंटर गया होगा वहाँ पर आपने एग्जाम दिया होगा, अगर उसमें एब्सेंट आ रहा है तो ये सरासर गलती जहाँ पर सेंटर गया था इनविजिलेटर का है जो एग्ज़ाम ले रहा था उस समय, ठीक है, उनका गलती है, आपका अटेंडेंस वगैरह शायद छूट गया होगा या आपने नहीं बनाया होगा, आपका भी गलती हो सकता है। तो क्या करना है, आपको भी कॉलेज ही जाना है, सबको कॉलेज जाना है, जिनका कम नंबर आया है, जिनका एब्सेंट लिखा आ रहा है, सबको कॉलेज जा करके एक अच्छा सा एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन के साथ आपका अपना एडमिट कार्ड लगाइएगा जरूर, रजिस्ट्रेशन सीट जरूर लगाइएगा, और हाँ जिनका भी थ्योरी एग्जाम में एब्सेंट आया है उनको अटेंडेंस लिस्ट का फोटोकॉपी अगर अवेलेबल है, जैसे कि जहाँ पर भी सेंटर गया होगा तो आपने देखा होगा एग्जाम से पहले अटेंडेंस बनाया जाता है, तो उसका फोटोकॉपी अगर पॉसिबल है तो अपने सेंटर से जाके लाके वो भी मर्ज कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पर कॉपी नंबर होना जरूरी है, और एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपका एप्लीकेशन, एंड लास्ट में प्रूफ के लिए आप अपना मार्कशीट लगा सकते हो, मार्कशीट वही वाला जो ऑनलाइन हमने देखा है उसका, सर देखिए मेरे मार्कशीट में एब्सेंट लिखा है, देखिए कैसे लिख दिया, मैं तो प्रेजेंट था, तो प्रूफ के लिए मार्कशीट का फोटोकॉपी निकलवा लेना साइबर कैफे जा करके, यही सारी चीज़ें आपको जाके जमा करनी है, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके मैं कहूँगा जाके अपने कॉलेज में जमा करो ताकि आपको जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, अगर जिनका प्रमोटेड है या फेल लिखा आ रहा है, प्रमोटेड क्या होता है, फेल क्या होता है, दिस दैट, तो प्रमोटेड फेल के बीच में अंदर नहीं जानते हो तो क्या करना है आपको, हमारा एक बहुत पुराना वीडियो तो नहीं है, 4-5 महीने शायद पहले बनाया होगा, बहुत अच्छा वीडियो है, 12,000 लोगों ने उसको देखा है, प्रमोटेड मतलब क्या होता है, फेल मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, आप जा करके उस वीडियो को देखें, ठीक है, 12,000 लोगों ने देखा, आप भी देख सकते हो। अभी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।